अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। जब भी खूबसूरती की बात हो तो आपके जहन में पाकिस्तानी कौन सी एक्ट्रेस आती है? जी हाँ, मैं बताने जा रही हूँ पाकिस्तान की फैशन आइकन के बारे में कि वो ईद के तीसरे और चौथे दिन किस कदर खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी फैशन आइकन की, जो ईद के तीसरे और चौथे दिन बिल्कुल परी की तरह खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उन्होंने सफेद लिबास ज़ेब-ए-तन किया था। आयज़ा खान के बारे में, आयज़ा खान इससे भी पहले कई बार सफेद लिबास पहन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने ईद के तीसरे और चौथे दिन बिल्कुल मुनफरिद अंदाज अपनाया। ईद के तीसरे दिन जब आयज़ा खान ने अपनी तस्वीर शाया की तो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आए। उन्होंने बालों पर हल्का सा बटरफ्लाई स्टाइल का क्लिप लगाया था और हाथ में खूबसूरत अंदाज से कप पकड़े हुए नजर आए, और ये वाइट ड्रेस भी इन पर बहुत सूट कर रहा था। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आयज़ा खान सादगी में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इस ड्रेस के साथ उन्होंने अपने बाल खुले रखे जो उन पर बहुत सूट कर रहे थे। लेकिन जब ईद के चौथे दिन उन्होंने तस्वीर शाया की तो उसमें वो और भी हसीन लग रहे थे। उनका वाइट ड्रेस इंतहाई लॉन्ग था और साथ में उन्होंने बड़े बड़े झुमके वेयर किए हुए थे जो सूट की जीनत को मजीद बढ़ा रहे थे, और साथ में आयज़ा खान ने अपने बाल बांधे हुए थे। मेरे ख्याल में आयज़ा खान पर खुले बालों से निस्बत जूड़ा सूट करता है। आपको आयज़ा खान किस रूप में और किस कलर में पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।